केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, शायद हमारी तपस्या में कमी रही। पीएम मोदी के ऐलान के बाद लगा कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलनकारी नेता अब भी आंदोलन जारी रखने की बातें कर रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन अब भी चलता रहेगा, कानून वापसी के बाद भी वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत आगामी विधानसभा चुनाव तक आंदोलन को खींचना चाहते हैं ताकि विपक्ष को फायदा हो सके। मतलब आंदोलन जीवों को किसानों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी दुकान चलाना है। हालांकि राकेश टिकैत के आंदोलन जारी रखने के बयान पर विपक्षी दोपहर हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर आंदोलनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की है, तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना टिकैत को आंदोलन खत्म करने की सलाह दे रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने राकेश टिकैत से कहा है कि उन्हें पीएम मोदी की बात पर भरोसा करना चाहिए। राउत ने कहा है कि किसान इस देश का अन्नदाता है, आप उनके साथ इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते हैं। पीएम मोदी ने हमारी बात मान ली है, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बीकेयू नेता राकेश टिकैत के अब भी आंदोलन जारी रखने के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान पर विश्वास करना चाहिए, वापसी के बाद तो अब औपचारिकता ही रह गई है। संजय राउत को तो पीएम मोदी पर भरोसा है, लेकिन टिकैत को देश के पीएम पर भरोसा नहीं है। कृषि कानून वापसी के बाद भी प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमा छोड़ने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि संसद से कानून की वापसी होने के बाद ही किसान अपने घर की ओर वापसी करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि पीएम शहद से भी मीठा बोल रहे हैं, हमें उन पर भरोसा नहीं है। दरअसल कानून वापसी का क्रेडिट टिकैत को नहीं मिला है, पीएम मोदी ने सीधे जनता से संवाद कर कानून वापसी का ऐलान किया। यही वजह है कि टिकैत तिलमिलाए हुए हैं और आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं, और कांग्रेस भी टिकैत का साथ दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।